किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदाव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको बताएगी कि जिंदगी में सफल कौन हो सकता है। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा था। एक बहुत बड़े पत्थर की दुकान थी जिसमें संगमरमर के अनेकों पत्थर रखे हुए थे, लेकिन दुकान के बाहर की ओर एक बड़ा सा संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा था। वो इस तरह से पड़ा था जैसे उसको किसी की भी परवाह नहीं है और कोई उसे लेना भी नहीं चाहता था। उसने दुकानदार से पूछा कि सारे पत्थर तो आपने बड़े संभाल के अंदर रखे हैं, ये पत्थर बाहर क्यों डाल रखा है? तो दुकानदार ने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे तो कोई भी व्यक्ति खरीदने को राजी नहीं है, आपकी इसमें उत्सुकता है क्या? तो मूर्तिकार ने कहा, देखिए मेरी इसमें बड़ी उत्सुकता है। तो उसने कहा, ये इतना कठोर पत्थर है कि चाहे आप इसे कितना भी मारिए, इसमें कोई मूर्ति बन ही नहीं पाती। कितने लोग इसे ले जा चुके और फिर इसे लौटा कर दे गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको मुफ्त में ही दे दूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये पत्थर यहां से निकल जाए और यहां की ये जगह खाली हो जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ये आज से नहीं 10 वर्षों से यहां पड़ा है, इसका कोई खरीदार ही नहीं मिलता। आप ले जाओ, उल्टा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं आपके घर तक इसे पहुंचा दूंगा। अब 2 वर्ष के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया और कहा, मैंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है और मैं वो तुमको दिखाना चाहूंगा। जब वो मूर्तिकार के घर वो दुकानदार आता है तो वो उस पत्थर की बात को भूल चुका था। मूर्ति देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो हैरान रह जाता है कि इतनी सुंदर मूर्ति उसने आज तक नहीं देखी। शायद ऐसे मूर्ति आज तक किसी ने बनाई भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्ति में तराशा गया था। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही हैं। इतनी जीवांत थी वो तस्वीर कि उसे भरोसा नहीं आया। उसने कहा कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने बेकार समझ के दुकान के बाहर फेंक रखा था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पहुंचा दिया था। वही पत्थर है। लेकिन उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो, उस पत्थर को तो कोई लेने के लिए ही तैयार नहीं था, 2 पैसे भी कोई उस पत्थर को नहीं देना चाहता था, तुमने इस पत्थर में इतना सुंदर रूप कैसे बना दिया? तुम्हें कैसे पता चला कि इस पत्थर में इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकती है? तो मूर्तिकार ने कहा कि आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़े रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि तुमने कभी उनको तराशा ही नहीं, तुमने कभी छेनी उठाई ही नहीं, तुमने कभी अपने आप को गढ़ा ही नहीं, तुमने कभी इस बात की फिक्र ही नहीं की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसके भीतर एक बहुत विराट चीज छुपी हुई है, इसके अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जब रास्ते से निकलता था तो इस पत्थर के अंदर से मुझे आवाज आती थी कि तुम मुझे यहां से मुक्त कर दो, और उसकी आवाज सुनते ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस पत्थर के किनारे आसपास जितने व्यर्थ के पत्थर थे वो छाड़ दिए और ईश्वर स्वयं प्रकट हो गए। तो दोस्तों, याद रखिए, बस हमें भी अपने जीवन में इसी तरह की बेकार की बातें, बेकार के विचार, बेकार के जो हमारे संदेह हैं उन्हें निकाल देना है। करना क्या है? सिर्फ
एक छेनी उठानी है जिसको मेहनत कहते हैं, और बेकार के संशय, बेकार के दुख, बेकार के परेशानियों को हटाकर थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप देखिए कि आप निखर के कितने खूबसूरत, कितने बेहतरीन और कितने सफल हो जाएंगे, जिसके बारे में शायद आपके दोस्तों ने, दोस्त माँ बाप तो छोड़िए, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने अंदर छुपी जो बहुत सारी बुराइयां हैं, जो आपको सफल नहीं होने दे रही हैं, उनको छांटिए। बस आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।